सब आपको भी ऐसा लग रहा है कि नून लीग के दो धड़े हैं जिनकी ये आपस की लड़ाई है, उनका शाखसाना है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है शायद जो दो मौकफ मुख्तलिफ आ रहे हैं सामने कि शायद तंजीम साजी का मामला है, मगर जहाँ तक हमें याद पड़ता है तलाल चौधरी साहब के पास कोई इंतजामी अहदा मौजूद नहीं है, तो फिर तंजीम साजी कैसी और फिर रात के 3 बजे। लेकिन जो खातून की तरफ से मुबैना एक मौकफ सामने आ रहा है वो हिरासा करने से मुतालिक है, तो कुछ हकीकत आपको मालूम है क्या, समझ लिया जाए कि दो धड़ों की लड़ाई है? देखिए, ये जो धड़ों वाली बात है ये भी एक पहलू यकीनन है, लेकिन मामला ये है कि एक साहब थे यहाँ पे, मैं बिल्कुल नाम वाम बिल्कुल नहीं लूंगा, इस तरह के मामला में नाम लेना नहीं चाहिए। ठीक। एक साहब थे, वो उनका इंतकाल हो गया, उनके साहबजादे को टिकट मिल गया नून लीग की तरफ से, वो जीत गए। बदकिस्मती से जवान आदमी कैंसर का शिकार हो गया, वो भी फौत हो गए। अब उस पर खानदान में झगड़ा शुरू हो गया, तो फिर टिकट किसको दिया जाए? नून लीग ने उनके भाई को, मरहूम के भाई को टिकट दे दिया। तो जो साहबजादी थी उन्हें शिकायत पैदा हुई कि भाई मुझे मिलना चाहिए था टिकट, जैसे कि होता है। तो वो फिर उनसे वादा किया गया कि उन्हें कंपनसेट किया जाएगा। मुस्लिम लीग की अच्छी वर्कर थी वो, अच्छा, बासलाई खातून थी, उन्हें कंपनसेट किया गया। और अब जो है सूरत हाल ये है, अफसोसनाक मामलात हैं, हम उस पर बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करेंगे, इसलिए कि जाती मामलात के लिए मीडिया नहीं होता, जाती मामलात लोगों को जाती तौर पर निपटाने चाहिए। किसी ने पुलिस से शिकायत नहीं किया इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। उन्होंने ठंडा करने की कोशिश की, मोहतरमा मरियम नवाज ने उनको फोन किया, राना सनाउल्ला ने मेरी इत्तला दी है, उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने उस खातून से बात की, वो कोशिश कर रहे हैं मसालियत हो जाए, सीसीटीवी कैमरा ये कहता है कि वो रात को गए, ऐसा लगता है तलखी हुई, झगड़ा हुआ, वो गुस्से का इजहार करने के लिए गए। भाई रात को 3 बजे कौन सा तंजीमी काम होता है? मगर मैं ये आपको बता दूं, ये शिकायत एमकेएम में भी रही है, ये शिकायत पीटीआई में भी है, ये शिकायत नून लीग में भी है। मेरे पास एक तवील फहरिस्त है वाकयात की, मैंने कभी ना उन्हें बयान किया है, मुझे लिख के भेजा, बाद लोगों ने बहुत सी मालूमात दी है, मगर मैं ना कभी बयान किया ना कभी करूंगा। अजय साहब, आपकी तरफ आऊंगी, ये मामला क्या है जो तलाल चौधरी साहब के हवाले से खबरों की जीनत बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मालूम है हकीकत क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए अभी तक तो चूंकि दोनों तरफ से मुझे लग ही रहा है, देखिए फैसलाबाद की जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा ग्रुपिंग्स हैं। आपको याद होगा, अरुण साहब को तो यकीनन पता होगा, आबे शेर अली और राणा सनाउल्ला के दरमियान, और इसी तरह तो मुस्लिम लीग नून के अंदर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है। मुझे लगता है ये उसी का शासाना लगता है मुझे। बाकी अगर उसके अलावा कोई पर्सनल मामलात हैं तो उसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ जो बर्दाश्त का मादा, अभी आपको याद होगा कुछ अरसे पहले इस्लामाबाद में ही एक पीटीआई के एमपीएस के हस्बैंड और एक पुलिस ऑफिसर के दरमियान जो मार एक हाथापाई हुई थी, उसकी वीडियो भी चली थी जिसमें वो बड़े जख्मी हो गए थे, मार वो भी। इससे पहले और कई वाकयात आपको नजर आएंगे। तो हमारे यहाँ जनरली बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, हम गुफ्तगू में जो है वो दलील से गुफ्तगू नहीं करते, हम शोर ज्यादा मचाते हैं, शऊर से बात नहीं करते, और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है कि फौरन आस्तीनें चढ़ जाती हैं, फौरन हम गलम गलोच पे आ जाते हैं, हाथापाई हो जाती है। मुझे ये मुस्लिम लीग नून की इंटरनल फैसलाबाद की इंटरनल पॉलिटिक्स ज्यादा लगती है, बाकी अगर इसके अलावा कोई पर्सनल मामला है तो मुझे नहीं है। फैसलाबाद से और बहुत तशवीशनाक खबरें आ रही है, अच्छी तरह की तरफ ही बढ़ते हैं फिर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो तीसरा बड़ा शहर है, जैसे कराची है बेसिकली, फिर लाहौर है, फिर फैसलाबाद है, उसको कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान का मैनचेस्टर, आज भी वहां से मुतय्यन होता है भाई। वो कोरोना जो इंडिया में फैला और बांग्लादेश में भी फैला, तो यहाँ और यहाँ एक खास पीरियड के बाद से ठीक होना शुरू हो गया, ऑर्डर तो बहुत मिले, 60% एक्सपोर्ट हमारी इसकी है, और हमारी होम टेक्सटाइल इतनी अच्छी है कि उर्दन से समग्र लेकर इजराइल जाती है, तो उस पे ऑर्डर तो मिल गया बहुत, और उम्मीद पैदा हो गई कि 4-5 बिलियन डॉलर की आमदन बढ़ जाएगी, बिजली की भी सूरत हाल बेहतर हो गई, लेकिन अब सूद नहीं है, अब ऑर्डर पूरे नहीं हो सकते। क्यों नहीं है? इसमें मुजरम है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां भी, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल भी, हुकूमत भी, एप्टमा भी,
पांच छह साल से लिखने वाले चीख रहे हैं, मैं उनमें शामिल हूं। तो खुदा के बंदो, एक तो जो कपास की बेल्ट का इलाका है उसमें गन्ना गाड़ दिया, उसमें शुगर मिल लगा दिया, अदालत ने फैसला भी दिया इस पर कि ये नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि हम सारे हमारे साइंसदान मिलकर एटम बम हम बना सकते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल बना सकते हैं, हम दुनिया का बेहतरीन असला बना सकते हैं। 90s में जितना असला इस्तेमाल हुआ था खलीज वार में और उसके बाद भी वो कमों में सारा हमने बना लिया, दुनिया की हर चीज हम बना सकते हैं। हम बीज नहीं बना सकते कपास का और गंदम का, तो इसमें हुकूमत कसूरवार है। नवाज शरीफ साहब के जमाने में तो ये तय पा गया था एक स्टेज पे कि एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जो 1200 एकड़ जमीन है जो कि बहुत ही कीमती है और जहाँ एक प्लाट की कीमत है वो 3-4 करोड़ रुपए एक 500 गज की हो सकती है, कि इस पे कॉलोनी बना दी जाए। तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको जाया कर देते हैं। मजर साहब से दरखास्त है, बिल्कुल ये बीज वाला मामला भी बिल्कुल सही है मजर साहब, लेकिन जिस तरह से गन्ने के हवाले से हारून साहब ने बात की, कपास के जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, कभी उनको हमने रिलीफ भी तो नहीं दिया, उनके लिए आसानी भी तो पैदा नहीं की जिसकी वजह से वो कपास की फसल को छोड़ के दीगर फसलों की तरफ रागिब हो जाते हैं। देखिए इसको मैं और ज्यादा वसीब उस पर बात करके सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आज दुनिया में आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? आप एटमी ताकत हैं, उन्होंने कहा हैं, ठीक है एटमी ताकत है, क्यों नहीं आपको अहमियत दी जाती? क्यों नहीं आपके माँ से वायस के कि अगर अफगानिस्तान में आप उनका इंटरेस्ट है तो वो आपके साथ बात कर लेंगे? इसलिए कि आप एक इकोनॉमिक पावर नहीं हैं, आप एक इकोनॉमिक पावर नहीं बनना चाहते। इकोनॉमिक पावर जिस अभी हमने कराची डिस्कस किया ना, इकोनॉमिक हब कहते हैं ना हम कराची को, और उस इकोनॉमिक हब का हमने क्या हशर किया? फैसलाबाद आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है, फैसलाबाद का क्या असर कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर को हम अपनी बैकबोन कहते हैं, एग्रीकल्चर का हम क्या कर रहे हैं? तो हमने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और मुसलसल मार रहे हैं, यानी हम मईशत के ऊपर, मीसा के मईशत के ऊपर, चाहे वो शहबाज शरीफ को छोड़ दें, उन्होंने कहा किसी और को छोड़ दें, मीसा के मईशत को जब तक हम संजीदगी से नहीं लेंगे, हम डैम पर पॉलिटिक्स करते रहे, हम बाकी चीज़ों पे पॉलिटिक्स करते रहे, हम बिजली के मसले पे पॉलिटिक्स करते रहे, हम पानी के मसले पे, ना हमने बिजली पैदा की, ना हम पानी देने की पोजीशन में हैं, ना हम अच्छे बड़े डैम बना सके, ना हम इस मुल्क के लोगों को तालीम, सेहत और पीने का साफ पानी दे सके। तो जो जब जो कौम अगर माशी तौर पे ताकतवर नहीं होगी, आप जापान देख लें, हिरोशिमा और नागासाकी से उन्होंने क्या सबक सीखा कि भाई जंग में नहीं जाना। हमने अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर, दुनिया आपके सामने झुकेगी जिस दिन आप इकोनॉमिक पावर बन गए। हमारे इश्यूज क्या हैं? हम मजहबी मुनाफरत में पड़ जाते हैं, हम लिसानी मुनाफरत में पड़ जाते हैं, हम पॉलिटिकल डिवाइड, आप देखें पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवाइड देखें कि आज जो है एक पार्टी जो है वो पंजाब की पार्टी कहलाती है, एक सिंध की पार्टी कहलाती है, केपी की पार्टी कहलाती है, और बलूचिस्तान का बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो जब तक आप इस चीज़ को बेहतर नहीं करेंगे आप किसी भी शोबे में तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया में आप जाके बेशुमार अच्छी तकरीरें कर लें, कश्मीर के मसले पर इंडिया की सुनी जाती है, बाकी मसले पर उसकी सुनी जाती है, चाहे वहाँ एक्सट्रीमिज्म अपने हाइट पर हो, चाहे वहाँ नफरतें अपनी हाइट पर हो, चाहे वो कश्मीर में जुल्म व सितम के पहाड़ वो कर रहे हो, लेकिन बात आपके मुस्लिम ममालिक भी उसी से बात कर रहे हैं, आपके मगरब ममालिक भी, इसलिए कि आपके पास जो ताकत है एटमी ताकत, वो ताकत नहीं होती जो इकोनॉमिक पावर होती है।